पुलवामा में मुठभेड़ में मेजर और चार जवानों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा रहा है। मुठभेड़ में शहीद मेजर और तीन जवान 55 राष्ट्रीय राइफल से जुड़े हुए थे, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद भी इसमें शहीद हो गए। देहरादून के रहने वाले मेजर विभूति ढोंडियाल, हवलदार शिवराम, जवान अजय कुमार और जवान हरि सिंह ने सेना की तरफ से आतंकवादियों से लड़ते हुए शहादत दी। आप देख सकते हैं परिवार में दुख का माहौल है। अगर हम मेजर विभूति की बात करें तो एक साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनकी माँ हार्ट पेशेंट है, ऐसे में परिवार वालों के लिए यकीन करना बेहद मुश्किल है। जवान श्योपुर परिवार में छोटे जरूर थे शिवराम, लेकिन वो अपने पीछे अपने बच्चे को छोड़ गए हैं। इसके अलावा हर कोई गमगीन है और लोगों में आक्रोश है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनमें से एक जवान का नाम अजय कुमार भी था। इस वक्त हम उन्हीं के घर पर उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। उनके पिता वीरपाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, इस दुख की घड़ी में क्या कहना चाहेंगे शहादत के बारे में? क्या कहना चाहूँगा, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, भारत 300 रहने चाहिए वहाँ से, क्योंकि मैं भी फौज आदमी फौज से रिटायर हूँ, मेरे बेटे मेरी यूनिट में था। जब तक धारा 370 वहाँ से नहीं हटेगी और यहाँ के लोगों को वहाँ जाकर रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होने वाला। क्या मांगे सर सरकार से इस वक्त आपकी, क्योंकि लगातार इस तरीके से शहादत हो रही है और सरकार को किस तरीके का एक्शन लेना? धारा हटाई जाए और आर्मी का हाथ खुले कर जाए और तब भी काम नहीं चलता, सीधा पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। अजय से आपकी बातचीत हुई थी इससे पहले? कब बातचीत हुई थी, किस तरह की बातचीत? पहले रोज बात हुई थी, ये राज्य खुशी की। ये अजय जी के बेटे आपके साथ हैं इस वक्त, आप खुद कह रहे थे कि मैं चाहूँगा कि बड़े होकर ये भी फौज में भर्ती हो। जी बिल्कुल, क्योंकि आर्मी का नमक खाया है हमने, हम सब आर्मी के नमक से मेरे बच्चे पढ़े, इसको भी जवान करके आर्मी में भेजना चाहूँगा। की मांग इसी तरीके की कि सरकार को एक तरीके से छूट देनी चाहिए? छूट देनी चाहिए और पत्थरबाजी पर पहले गोली मारने की इजाज़त देनी चाहिए। जो कश्मीरियों को, कश्मीरी आतंकियों को बचा रहे हैं पत्थर के आड़ में, वो तो उनसे बड़े आतंकवादी हैं। वीरपाल जी जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरीके से आर्मी को काम करने देना चाहिए उस तरीके से काम नहीं करने देते, यही वजह है कि लगातार इस तरीके से शहीद होते जा रहे हैं। बस मेरी तो यही मांग है सरकार से, पाकिस्तान का सैत ना सो, खून का बदला खून मिले। ये जो सरकार होगी तो बस खून का बदला खून, मेरे बेटे का खून का बदला खून चाहिए मुझे। लेकिन कह रही है लगातार कि हम लोग एक्शन कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। एक्शन नहीं करे, कोई कार्रवाई नहीं, इतनी माँ के लाल जा रहे हैं, उनके एक्शन नहीं हो रहे। अभी लोग कितने जा लिए, एकदम से 40 गए, उनकी माँ के छाती पे हाथ धर के देखो कितना दर्द है उन्हें। क्या उनके बेटे वापस आ जाएंगे? मैं अपने पोते को भी फौज में भेजूंगी, जो उसके बाप ने काम छोड़ा वो उसे पूरा करेगा। छत्तीसगढ़ गांव में शहीद हरि सिंह के अंतिम संस्कार की यहां पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त राजगढ़ के इस इलाके में, क्योंकि गांव से ही कुछ दूरी पर यह इलाका है और स्थानीय लोग जो है, नौजवान जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सुरक्षा इंतजाम के लिए इलाके की जो पुलिस है वो यहाँ पर है, क्योंकि किसी भी तरह से यहाँ पर जो है ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अभी भी जो शव है वो गांव में नहीं पहुँचा है, लेकिन लोगों को इंतजार है। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, जो युवा हैं वो सभी अपने साथी के लिए यहाँ पर झंडे और बैनर की तैयारियाँ कर रहे हैं। अब परिवार के लोग जो चाहते हैं कि उसका अंतिम संस्कार भी उसी तरह से हो, क्योंकि गाँव का जाबाज शहीद हुआ है और इसी जगह पर उसके अंतिम संस्कार की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। तो फिलहाल शव का इंतजार गांव के लोगों को है और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर शव पहुंचेगा, जिसके बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की जाएंगी।